बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। और किसी को मान लीजिए पैसा देके खरीद लेता है, पैसा देके हाँडी दारू में बिक जाता है आदिवासी, तो उस चीज को नहीं होना चाहिए। सबको एक आदमी को, अच्छा आदमी को कर्तव्य निष्ठा वो आदमी को देना है, जिताना है। और अभी आ रहे थे वहाँ से इधर घुसिंट्री किए, तो रोड बहुत खराब है। रोड तो खराब है, केवल नाम नाम का रोड है। अच्छा अच्छा, केवल कालीकरण कर देता है। हाँ, एक, हाँ। एक महीना दो महीना मुड़ जाता है, उसका कोई देखने वाला नहीं है। देखने वाला नहीं। सभी को रहेगा जोहार, नमस्कार रहेगा। और अभी है हम सिसई के बसिया, बसिया गाँव नहीं, बसिया प्रखंड, एक छोटा सा गाँव है, लोहड़ी गाँव है। अभी लोहड़ी गाँव आए हुए हैं, तो यहाँ पे काफी लोग जमा हुआ है, बगल में अखेड़ा है। तो यहाँ पे हम जानना चाहेंगे कि अभी 2024 में जो विधानसभा का चुनाव है, इसमें यहाँ का ग्रामीण लोग क्या चाहते हैं, क्या बदलाव चाहते हैं। हम बात करके पता करने की कोशिश करते हैं कि ये लोग क्या बदलाव चाहते हैं, और इस गांव में क्या क्या मिला है, नहीं मिला है, और क्या फायदा हुआ है सरकार का 5 साल के अंदर में। और झारखंड का अलग हुआ 24 साल हो चुका है, यहाँ पे लोग कितना परेशानी है, कितना सरकार का लाभ हुआ है, ये लोग से बात करने की जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार दादा, नाम क्या हुआ सर? गोपाल भगत। अच्छा गोपाल भगत, तो आपकी बार का चुनाव में दादा क्या बदलाव चाहते हैं यहाँ का जनता लोग, और आपका क्या विचार है? बदलाव तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ जितने भी विधायक आए बन के गए उसका भूल गए, भूल गए। ना किसी को किसान को पानी मिल रहा है, ना वृद्धा पेंशन मिल रहा है, और ना घर मिल रहा है। घर मिल रहा है तो उसमें पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, मुखिया से लेके ब्लॉक तक पैसा चाहिए, जी जी। सभी को पैसा चाहिए। हाँ हाँ, घर के लिए पैसा, कुआं के लिए पैसा, तो किसान कहाँ जाएगा? किसान कहाँ जाएगा? किसान को सतना पैसा नहीं है कि वो लोग पैसा दे के, ये लोग इसलिए सबको देख लिए, एक बार दूसरे को भी देखना है। नहीं बिल्कुल, बदलाव होना चाहिए। हाँ हाँ, बदलाव होने से ही बदलाव आएगा, बदलाव आएगा। और किसी को मान लीजिए पैसा देके खरीद लेता है, पैसा देके हाँडी दारू में बिक जाता है आदिवासी, तो उस चीज को नहीं होना चाहिए। सबको एक आदमी को, अच्छा आदमी को कर्तव्य निष्ठा वो आदमी को देना है, जिताना है। और अभी आ रहे थे वहाँ से इधर घुसिंट्री किए, तो रोड बहुत खराब है। रोड तो खराब है, केवल नाम नाम का रोड है। अच्छा अच्छा, केवल कालीकरण कर देता है। हाँ, एक महीना दो महीना मुड़ जाता है, उसका कोई देखने वाला नहीं है, देखने वाला नहीं। जो भी वर्तमान विधायक है जेगा मुंडा, तो 5 साल के बाद में कभी आते हैं कि या तो कुछ जाने के बाद भूल गए, कहाँ आते हैं? फिर अभी चुनाव आया तो नगड़ा बांट रहे हैं, तो ढोलक बांट रहे हैं, तो डेग बांट रहे हैं। चुनाव में वोट चाहिए। अच्छा, अब उनको क्या, अब उनको तो हो गया उनका काम। और बोलते हैं जगह मुंडा, बोलते हैं कि हम अकेले जीते हैं, मेरे लिए कोई सपोर्ट नहीं, कुछ नहीं है, ऐसा कहना। वो मोनोपोली आदिवासी का वोट लेके आदिवासी को ठगते हैं, ठगते हैं, बिल्कुल सही वोट। तो बाकी जनता को क्या संदेश देना, क्या अपील करना चाहते हैं कि मतलब कैसा वोट करे, कैसा उम्मीदवार? देखिए, ईमानदार आदमी को चुन के भेजने से काम होगा, काम होगा। यदि ईमानदार आदमी को नहीं चुन के भेजते हैं तो वही जाएंगे, फिर अपना भूल जाएंगे। बिल्कुल, इसलिए सोच समझ के वोट देना है, बहुमूल्य वोट है, 5 साल में एक बार आता है, इसलिए सोच समझ के वोट देना है। जिसको भी देना है सोच समझ के वोट देना है, अच्छा आदमी को देख के देना है, यही कहेंगे। और क्या कहेंगे? और एक तो सवाल पूछना चाहते हैं, ये गांव में मतलब अभी तक क्या होना चाहिए जो कि नहीं हुआ होगा, जो आप लोग चाहते हैं? देखिए, रोड नहीं बना तो आप लोग देख रहे हैं, रोड तो देख रहे हैं, रोड में देखिए रोड। उसके बाद है ना, आदमी आएगा तो बिजनेस चलेगा, आना जाना उसका बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, आय बढ़ेगा। मकान नहीं है सबके यहाँ, पक्का मकान हो जाता है, पक्का मकान नहीं है। वेपर लाइट केवल एक जगह लगा देने से इंजो तो हो जाएगा, पूरा गांव हो जाएगा। सब जगह हर पोल में होना चाहिए। हाँ, एक लगा दिया है कि विधायक वाला, नहीं नाम कमाने, हाँ, नाम कमाने के लिए एक लगा देना है। हाँ, पूरा गाँव अंधेरा है, अंधेरा है, उसको सबको देखना है। मान लीजिए यही पर आदमी केवल उजाला में रहेगा, जो कोना में हो कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा। इसलिए बदलाव होना चाहिए। जी जी। हमारा तो वही कहना है, जिस तरह हम लोग बेटी शादी देने जाते हैं ना, तो ठोकते बजाते हैं, देखते हैं कि लड़का क्या करता है, क्या करता है, बिल्कुल है ना, उसका खानदान कैसा है, वो पिता है कि नहीं पिता है। हाँ, उस तरह से विधायक को भी सोच समझ के वोट देना है। एकदम सही सवाल बोले हैं, कि हम जब लड़का देखने जाते हैं तो उसका बैकग्राउंड हम चेक करते हैं, क्या करता है, नहीं करता है, नासा करता है, कमाता है, नहीं कमाता है, कितना इनकम है, हम उतना जांचने के बाद में अपनी लड़की को, अपनी बेटी को शादी करते हैं। उसी तरह अपने देश को बचाने के लिए, राज्य को बचाने के लिए, हमको अच्छा आदमी को, अपना फ्यूचर, अपना फ्यूचर, बच्चा का भविष्य। स्कूल देखिए नहीं है हम लोग का, सब प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है बड़ा बड़ा आदमी, और हम लोग आदिवासी यहाँ का सब स्कूल में भेज रहे हैं, अगल बगल में आंगनबाड़ी में भेज रहे हैं। हाँ, जा रहा है, खा रहा है, आ रहा है। हाँ, उसमें भी मान लीजिए आंगनबाड़ी है तो 50 को यदि बच्चा का नाम है और 10 को वहाँ बैठता है, 50 का पोषाहार ले रहा है। अब कौन खा रहा है उसको तो देखने वाला देखेगा ना, देखने वाला। हम लोग को तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं, हम लोग कहाँ देखने जाएंगे। जी जी, कितना किलोमीटर में यहाँ स्कूल होगा, प्लस टू या तो फिर ऐसा? वो सब नहीं, वो एक के बार मान के चले 20 किलोमीटर चलिए, ऐसा है। हाँ,
यहाँ पे शिकायतें काफी है यहाँ पे सरकार के, जो वर्तमान विधायक है जिस उम्मीद से लेके इन्होंने वोट दिया है, जो चीज मूल सुविधा चाहिए यहाँ पे कुछ नहीं है। एक तो रोड कुछ नहीं है, पानी नहीं है, ना बिजली नहीं है, बहुत तरह का समस्या है यहाँ पे। इस बार आपके यहाँ के लोग चाह रहे हैं बदलाव, चाह रहे हैं। जगह मुंडे को देख लिए कि 5 साल में कुछ काम किया नहीं हुआ, तो यहाँ के लोग काफी नाराज है। जितना विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं है। एक चाचा जी है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं। चाचा तो नाम क्या होगा? कोई मेरा नाम है लक्ष्मण लकड़ा। लक्ष्मण लकड़ा, तो आपकी बार वोट के देख चाहला, बदलाव का चाहला? बदलाव तो हम ये चाहला कि गांव घर में जो जितना भी सरकार आला आज तक कोई बदलाव नहीं होला। अच्छा अच्छा। रोड भी आज तक कभी हम सब ये कर ले तो रोड भी नहीं होला। हर जगह पक्का रोड कर तहत ये कर ले, लेकिन हम जगह पक्का रोड भी नहीं बनल। हम सब पीसीसी रोड में चलत थी, इसमें पीसीसी भी देखना थे 100 मीटर हो है, उकर बाद में कुछ नहीं हो है। आज तक कुछ अखाड़ा भी हम कर ये रहे, तो आदिवासी गांव है के अखाड़ा भी हम सही से नहीं बन पाए। अच्छा, हम उनके बहुत दिक्कत है, समस्या है। हाँ। हम उनके जब खेती बाड़ी करेला तो बीज लेला तो अधिक दाम में लेला, और जब बेचेला तो हम उनके बहुत कम रेट में बिके पड़ेला। मजबूरी है, ताकि हम गरीब है। हाँ। और जो तहत कृषि पर हमें आधारित आश्रित है। से हम उनका कुछ नहीं होते, गरीबी हालत में हमें झलक पड़े थे। और इकर आगे तो हमें का कह सकेला कि हम ये चाहेला कि बदलाव हो। हाँ। कुआं हो चाहे, चाहे कोई सिंचाई का माध्यम हो, चाहे बिजली पहुंच चाहे खेत तक, ताकि सिंचाई हो, किसान मन का अच्छा खासा मुनाफा हो। तो हम भी कुछ ऊपर उठा, जब गांव घर विकास हो तो जरूर है देश का विकास हो। हाँ, देश का विकास अभी, जब गाँव का विकास नहीं हो तो देश कैसे विकास हुई। हाँ, जब विकास करे करे है उम्मीद है, और कोई अगला जो प्रधानमंत्री है विकास करा देगा, तो जब गांव तक विकास नहीं कर पाए तो देश कैसे विकास हुई। हाँ, और यहाँ पे सही बात, यहाँ पे हॉस्पिटल कितना दूर में? हॉस्पिटल तो है बसे प्रखंड ना, हम पड़ल प्रखंड करीबन 12-15 किलोमीटर। अच्छा अच्छा। और स्कूल? स्कूल स्कूल तो गांव में है, वो भी अधूरा बन पड़लक। हाँ। वो भी पूरा पूरा नहीं हो पड़ल, तो से हम उनके तकलीफ है। तो आपकी बार कौन छाप के जीता के चाह लगे? तो अपनी बात यह है कि हाँ, थोड़ा छाप के अब हम देखा थे। हाँ। जिस आधार से प्रचार प्रसार करते हैं और सोच बुझ अलग। हाँ। तो वह थोड़ा छाप के जिताए का बात विचार करते थे। ढेर सारा पार्टी है उम्मीदवार, शायद सीसे विधानसभा से 15 गो उठे शायद, तो यही 16 गो है। 16 गो है, तो यही हथौड़ा साथी क्यों? ये है कि ये किसान मनकर करीबी आवत है, और किसान मनकर मनोबल के जानत है, दुख दर्द के जानत है। देखत हम मन के भरोसा आवत है। हाँ हाँ। और रोखे हमें देकर प्लानिंग कर थी। जी अभी वर्तमान विधायक है शायद, यह जगह मुंडा है नहीं? जगह मुंडा थी गांव में, वो आता है कि नहीं आता है? वो तो आए थे जब 5 साल हुआ था। हाँ। तो उस टाइम आए थे वोट लेने के लिए। चले और अगला से बात करते हैं, देखते हैं बाबा लोग बैठे हुए हैं। जोहर बाबा, इसे तो नाम का हो लोग? शुक्रवराम। शुक्रवराम। तब की बार के जीता चाहता था, वो क्या बदलाव चाहला? दिन मीटिंग रखे ला उस दिन हमारे ब्लॉक। अच्छा अच्छा। गाँव के सभी लोग पे कि कौन में देना है इसको बताएंगे। तो बाबा का कहना है कि हम लोग बृहस्पतिवार को मीटिंग रखते हैं, उसमें सभी गांव के लोग बैठते हैं और बात करेंगे किसको जिताना है, क्या करना है। और एक बाबा है। बात सही कहा। हाँ दादा बोल। बहुत बोले खुद से बोले खोज तो रहो तो मीटिंग नहीं हम बोलूंगा मीटिंग है बोलिए। हम लोग को वेतन नहीं बढ़ाते है सरकार। कहाँ वेतन चाहिए? विकलांग वाला। हाँ, तो सरकार से बोलिए क्या बोलना चाहते हैं। देखो ना सरकार यही तो देख रहा है। देखो ना, दिखाइए। हाँ देख रहा है, बोलिएगा तब ना, सुन रहा है। बोलिएगा तब ही ना हम बोलेंगे। सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग को विकलांग वाला पैसा बहुत कम देता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ ठीक है, ये इधर इधर। तो भैया जोहार, नाम क्या हुआ साहब का? मेरा नाम हुआ रवि बखला। रवि बखला, तो रवि जी बताइए यहाँ पे मतलब क्या क्या विकास हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या परेशानी है गांव में सबसे ज्यादा? जी क्या होना चाहिए? जी अभी तक तो हम लोग का गांव में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र में भी अभी तक कुछ भी, हम लोग बहुत दूर आना जाना करते थे साइकिल या तो पैदल। अभी पढ़ लिख लिए फिर भी से ना नौकरी है ना चाकरी है। हाँ, और अभी घर में खेती बाड़ी कर रहे हैं। हाँ, तो इसको बदलना है ये चीज को। और इस बार हम लोग सोच रहे हैं कि हर बार
अलग अलग पार्टी से आता है, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ भी यहाँ कुछ विकास नहीं करता है। हाँ हाँ। तो इस बार सोच रहे कि हम लोग मधुआ कच्छप को जिताएंगे, हसुआ थोड़ा और तारा छाप को देके। हाँ। तो लेकिन ढेर सारा विधायक लोग खड़ा हुआ है 16 को बोल रहे हैं, तो यही छाप को क्यों जिताना चाह रहे हैं, मतलब इस पार्टी में क्या आप लोग को दिखा? ये पार्टी में हम लोग मीटिंग गए थे एक बार भरनों में, वहाँ पर देखे कि बहुत चीज का जानकारी दिया, जैसे कि इधर खेती बाड़ी, हम लोग तो किसान हैं। हाँ हाँ। खेती बाड़ी करते हैं तो उस चीज को बेचने के लिए 20 मीटर का दायरे में या जो भी कैंपस बनाएंगे बोल रहे, तो हम ही लोग के लिए अच्छा सुविधा होगा ताकि हम लोग और आगे बढ़ सके। आगे बढ़ सकते हैं। चलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कार्तिक राम है। अभी पढ़ रहे हैं? नहीं, छोड़ दिए। इंटर छोड़े? अच्छा अच्छा। इंटर का स्कूल कहाँ है? प्लस टू कितना दूर में है? बसिया। कितना किलोमीटर पड़ता है बसिया? 20 किलोमीटर जी। अच्छा, देखिए हम लोग का गांव में ही परेशानी है कि पीने के लिए पानी। हाँ हाँ। टंकी सिंटेक्स लगाना चाहिए। अच्छा, पानी तो दिख रहे हैं और क्या? अच्छा, पानी नहीं मतलब ये खराब हो जाएगा तो दिक्कत होगी। हाँ, पीने के लिए सिंटेक्स। हाँ। लगाना चाहिए गांव में 2 या 3 जगह। हाँ हाँ। यही बोलना चाहते हैं। अच्छा, पीने के लिए। तो चलिए, यहाँ पे बात करके पता चल रहा है कि यहाँ पे पानी का दिक्कत है और ये लोग चाह रहे हैं कि ये पूरा कृषि क्षेत्र है तो किसान लोगों को क्या चाहिए? अच्छा अनाज का दाम चाहिए, रेट चाहिए, बेचने के लिए मंडी चाहिए, बाजार चाहिए, तो वो होना चाहिए लोग का। ये लोग